यस सर। ओके देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट में, तो मैंने ये कहा था कि कोई भी वेक्टर है उसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो वो कंपोनेंट आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट होगा आपका एफ कॉस थीटा और दूसरा, सॉरी, वेक्टर भी है ए, तो एक कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा और एक बनेगा ए साइन थीटा। चलिए तो कल मैंने बताया था, देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं कल की बात को। जैसे ये आपके पास कोई वेक्टर जा रहा है ए, ये वेक्टर ए है, ए का ये कंपोनेंट है ए एक्स और ये कंपोनेंट है ए वाई, तो ये अगर ये ए वाई है तो ये कंपोनेंट भी क्या होगा ए वाई। तो आप क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ ए कि वेक्टर ए जो है लगातार दो कंसेक्यूटिव वेक्टर का सम होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, क्या होगा भाई, ए एक्स होगा अपने पास ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई क्या होगा ए साइन थीटा जे कैप। तो आप लोग नोट कर लें, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, क्योंकि ए वाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा के इक्वल होगा। कल कैसे याद आता, कल मैंने बताया था, बनता है ना, आप लोग को याद है? यस सर। चलो अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको नंबर वन दे दो, इसको नंबर टू दे दो, दोनों को स्क्वायर ऐड करके ऐड कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में जाके वन हो गया और ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आंसर ए इक्वल टू आंसर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वो यहाँ से आया, नोट कर लीजिए। मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है? यस सर। नोट कर लो। अब निकालते हैं कि वेक्टर ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट कितना एंगल है, रिजल्टेंट का कितना एंगल है। तो देखो एंगल निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या गया है ए वेक्टर, इसका एंगल निकालना है, तो क्या करो, डिवाइड कर दो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ए वाई क्या है बच्चों, ए साइन थीटा, ए एक्स क्या है ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ओके सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स, नोट कर लीजिए, ये आपका आ गया टेन थीटा। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये टेन थीटा आ गया अपने पास ए वाई बाई ए एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी वेक्टर और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, धीरे धीरे और जानते जाएंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर 2D में था, अब हेडिंग डालिए वेक्टर इन 3D। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था वेक्टर इन 2D, वेक्टर इन 2D, 2D मतलब टू डायमेंशंस में, समझो क्या सीन है। 2D में आपके पास यदि मान लो कोई पॉइंट है आसमान में, कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है ए एक्स ए वाई ए जेड, या सिंपल कोई पॉइंट है ए बी सी है, मान लो ए एक्स ए वाई ए जेड मत लो, आप लोग ले लो ए बी सी। अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये कोई पॉइंट है स्पेस में, ओके आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो देखिए आपको इस पॉइंट पे, मतलब आपको एक्स एक्सिस में कितना चलना है, ए यूनिट चलना है। अभी तक हम लोग 2D सीखते थे तो हमारे पास दो पॉइंट होते थे, तो केवल दो ही एक्सेस होते थे, तो हम बोलते थे एक्स एक्सेस में हमें कितना चलना पड़ेगा, ए यूनिट। तो यहाँ तक का पॉइंट क्या बनता था, ए कॉमा जीरो। बट वेक्टर की बात की जाए तो यहाँ तक का वेक्टर क्या बनेगा बेटा, ए आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो अगर आप ए कदम चलोगे तो वेक्टर कितना बनेगा, ए आई कैप, और ऊपर की तरफ आप बी कदम चलोगे तो वेक्टर क्या बनेगा, बोलो, बी
जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब ट्रायंगल लगा दो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसको ज्वाइन कर दो। ये आपने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? ये बन गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये अपना बन गया वेक्टर। तो ये 2D में है, बट अब 3D की बात कर रहे हैं अपन लोग। देखिए 3D में क्या होता है, 3D में तीन एक्सेस हुआ करते हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक बाहर की तरफ जेड एक्सेस। तो अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो सपोज ए है, बी है, पंखे के टिप पर पहुँचना है तो सी कोऑर्डिनेट है, तो एक्स में चलोगे कितना चलेगा, ए कदम, तो ए कदम का वेक्टर क्या बनेगा, ए आई कैप। फिर वाई में ऊपर की तरफ चलोगे यहाँ तक तो कितना बनेगा, बी जे कैप। अभी हवा में दिखा नहीं सकते, बट ये हवा में जाएगा, हवा में पॉइंट आएगा तो तीसरा पॉइंट बाहर की तरफ निकल करके आएगा, वो कितना होगा इस एक्सेस में, सी के कैप। तो टोटल जोड़ दोगे यहाँ से हवा में पॉइंट को इन स्पेस, सो योर वेक्टर बिकम आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और यू कैन से, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो आप क्या लिख सकते हो, ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप, ए का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस ए का जेड कंपोनेंट के कैप, ये आपका कम्प्लीटली वेक्टर बन जाएगा। बोलो समझ में आया बच्चों? थ्री डी में आपके पास मतलब वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, 2D में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सेस कहलाऊंगे, एक वाई एक्सेस कहलाऊंगा, 3D में तीन कंपोनेंट होंगे, ए एक्स कहलाएगा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सेस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सेस एंड जेड इज कॉल्ड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस क्लियर। ओके, अब चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। देखिए आपके पास अभी ये देखा आपने, ये आपके पास कोई वेक्टर गया हुआ है, मान लीजिए इस वेक्टर का टिप है क्या ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई जेड मतलब इस वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट ए एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट ए वाई है, जेड कोऑर्डिनेट ए जेड है। इसका मतलब यदि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको ये जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए एक्स मिलेगी। ओके, और तो इस समय ये जो एंगल कहलाएगा, ये एंगल, इस एंगल का कॉस ही क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। इस एंगल का कॉस क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इट इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल मेड ऑफ अ वेक्टर मेड विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। मतलब कोई वेक्टर है, ये वेक्टर जा रहा है आपके पास, ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है सपोज, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा बीटा, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकलेगा उसके साथ कितना बनाएगा गामा। यस, तो तीन एंगल बन गए अल्फा बीटा गामा। इन तीन एंगल के जो कोसाइन होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीन एंगल ही कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए अब इनकी वैल्यू निकालने, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस कितना है इसका ए एक्स, इस एंगल के लिए बेस कितना है, बेस क्या होता है जो एंगल को टच करता है, हाइपोटेनस कितना है वेक्टर ए का मॉड, ए एक्स अपॉन मॉड वेक्टर ए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस सर। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन मॉड वेक्टर ए, ठीक है ना? तो ए एक्स अपॉन मॉड वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, अभी मैंने आपको बताया दो वेक्टर के लिए, रिजल्टेंट मैंने क्या बताया था 2D के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, अभी प्रूफ कराया था थोड़ी देर पहले। तो ये 3D का वेक्टर है, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दिस इज कॉस अल्फा। ये क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइंस का पहला पेयर हो गया, पहला सेट हो गया एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अब दूसरा एंगल देखते हैं, दूसरा ये देखिए, साइमल्टेनियसली ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कॉस निकालो, तो इसका कॉस बीटा निकालते हैं। देखिए इस कॉस बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस। ओके, बेस क्या तरह ए वाई, क्योंकि ये लेंथ कितनी होगी ए वाई, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या निकलती है वाई कंपोनेंट ए वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा मॉड ए, सो ए वाई अपॉन मॉड ए, सो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए वाई का अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सो दिस इज गाइज कॉस बीटा।
ठीक है, आ रहा समझ में? बोलो क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो ये आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया। ऐसे ही तीसरा एंगल जो बनेगा गामा बनेगा, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन मान लो ये अपने पास वेक्टर है, तो ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा। तो कॉस गामा क्या होगा बोलो अक्षत? कॉस गामा इक्वल्स टू क्या आएगा ऊपर सर? ए जेड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही है ना। तो ये आ गया अपने गामा। तो बच्चों ये जो तीन सेट निकलते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। इनको हम तीन सेट को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर आप इन तीनों को ऐड करके जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू वन आएगी। बहुत ही सिंपल है, तीनों को जोड़ करके देखना। ओके, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यू वन आ जाएगी, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा करोगे तो ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अगर मैं करता हूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, मॉड ए नीचे था ना क्योंकि, तो ये भी ए का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तीनों का एलसीएम आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और नीचे मॉड ए का स्क्वायर है। तो ए इक्वल्स टू क्या है? वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर। इसको कि मॉड मॉड क्या था? मॉड ए क्या था? मॉड ए था अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। आंसर कितना आएगा? वन। तो मतलब सबका सम कितना होता है? वन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर खत्म। अब शुरू होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को बहुत सीरियसली लेना। जैसे दो वेक्टर थे आपके पास, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इन दोनों को आपको ऐड करना था। तो मैंने ट्रायंगल लॉ सिखाया कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को पास में लिया और ऐड कर दो और ये जो रिजल्टेंट निकलेगा बेटा, दिस विल बी, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस बी। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी सीधे जा रहा ना, इसको उल्टा कर दो। और अभी मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर सीधा वाला वेक्टर वेक्टर बी होता है तो नीचे वाला जाने वाला वेक्टर क्या होगा? माइनस वेक्टर बी। माइनस बी, तो बस बिंदास जोड़ दो इसको। तो ए क्यों? ए क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब ए के साथ माइनस बी को ऐड कर दो। तो लियो ऐड कर देते हैं, ये ए है, ये आपका बन गया माइनस बी। मतलब इसको बी मत देखो अब, आप इसको माइनस बी देखो। ओके, तो ये दोनों का ज्वाइन वेक्टर बना, तो ये बन गया आपके पास क्या? ये बन के आ गया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ए और माइनस बी का सम, और ए और माइनस बी का सम क्या होता है? ए माइनस बी ही होता है। बना लो बच्चों, तो ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ए माइनस बी। ठीक है? Yes, sir. बना लीजिए इसको। तो ये ए प्लस माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। बना लिया? यस सर। हाँ जी। यस सर। ओके, तो ए माइनस बी का मतलब ए प्लस माइनस बी, ए के साथ आप बी का अपोजिट वेक्टर ऐड कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा आपको सम ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रायंगल लॉ में आप कैसे सम करते हो। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ की भी बात करें, अगर उधर से भी देखना आपको पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को जोड़ना, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या हुआ करता था याद कीजिए कि एक वेक्टर ये होता था और एक वेक्टर ये हुआ करता था वेक्टर बी, है ना। तो दोनों का सम, दोनों के बीच का एंगल कितना होता था? थीटा, है ना। चलिए, ये ए है, वेक्टर बी है, बट अभी क्या करना आपको? ए और बी को अपोजिट डायरेक्शन में लेना, तब वो ऐड होगा। तो ये ए तो ऐसे कैसे ही जाएगा, ए वेक्टर ऐसे कैसे जाएगा? जो बी वेक्टर है इसको आप नीचे की साइड ले लो ऐसे, तो माइनस बी हो जाएगा। यस, तो ये हो गया क्या? माइनस बी। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर। ओके, अब पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दो। तो ये हो गया ए,
ये हो गया माइनस बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, मतलब ए माइनस बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ तो ये होता है ए माइनस बी, नोट कर लो। ओके सर, जो मतलब फाइनल वेक्टर निकलेगा, हाँ ये है, ए और बी के उसको ज्वाइन नहीं करेगा, दूसरा डायगनल नहीं होगा पहले? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, ए माइनस बी यही होगा, नीचे वाला होगा। वो जो ऊपर वाला बनता वो तो ए प्लस बी होता ना बेटा? नहीं, जैसे जो नीचे जो पैरेललोग्राम बनाए अपन ने उसका एक डायगनल चूज किया, दूसरा डायगनल चूज नहीं कर सकते अपन? नहीं एक मिनट, अगर आप दूसरे डायगनल चूज करने की बात कर रहे हो तो फिर समझो क्या होगा, मैं बताता हूँ अभी। अगर आप दूसरा डायगोनल चूज कर रहे हो तो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। ए और ये वेक्टर बी माइनस, दूसरे डायगोनल को चूज करने के लिए नहीं नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीज़न है देखो, अगर आप जो दूसरे डायगोनल को चूज करने की बात कर रहे हो बेटा, ये देखो ये वेक्टर ए है, बोलो हाँ। हाँ सर। और ये वेक्टर माइनस वेक्टर बी है, बोलो हाँ। यस सर। अगर आप दूसरा डायगोनल चूज कर रहे हो मतलब आप समथिंग ऐसे ले रहे हो, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब रूल क्या होता है कि दो लगातार में हो, तो ये तो दो लगातार में नहीं है ना, हाँ है ना, तो एडिशन तो हो ही नहीं सकता इनका, नहीं समझ गए ना। हाँ, आप यदि दूसरा वे लगा रहे हो कि सर एक काम करो आप इसको ऐसे देख लो, ये वेक्टर ए है और वेक्टर माइनस बी को शिफ्ट करके इधर ले आओ, तो ये माइनस वेक्टर बी है, बोलो हाँ। हाँ, तो तब भी अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो तब भी आपका रिजल्टेंट यही आ रहा है जो पुराना वाला, देख लो। यस सर। यही आ रहा है, आ रहा है ना। आगे सुनने। तो मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये जो दूसरा डायगोनल है वो किसी काम का नहीं है। नहीं है। चलो तो ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें है नहीं बट आप देखो रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, लिखो रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का रिजल्टेंट तो देख लिया आपने, और अब a माइनस बी का रिजल्टेंट देख लो, है a माइनस बी का रिजल्टेंट देख लो आप लोग, a प्लस बी का तो देख लिया, अब a माइनस बी का रिजल्टेंट देख लो। तो पहले ये देखो कि a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, जैसे ये a जा रहा था और ये b जा रहा था तो ये एंगल थीटा था, ओके ये एंगल थीटा था। अब a जा रहा है ये और b इधर जा रहा है माइनस बी, तो इनके बीच का एंगल कितना है, आरा खमूंद के बता सकते हो कि सर अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। यस सर। होगा ना, मतलब अब ये वेक्टर ए है और ये माइनस वेक्टर बी है, इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का, हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट, हमने पढ़ा था मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा ले आओ, क्योंकि अभी कर तो एडिशन ही रहे हो बट 180 माइनस थीटा नहीं। बेटा याद रखना अभी भी 180 में कोई चेंज नहीं होता है, है ना, 180 में। हाँ 90 पे होता है चेंज, है ना। जैसे आप ये जान लो, एक ट्रिक बता देता हूँ अभी, तो हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको ये पूरा। ये देखिए ये 90 है, 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। जब आप इस लाइन के आर पार जाओ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और जब आप इस लाइन के आर पार जाओ तो कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये किसकी लाइन है, 180 की लाइन है। तो आप कॉस 180 माइनस थीटा, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा। बट याद रखो एक ट्रिक, एक ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ गए ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉस की। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। तो फॉर्मूला लिख लो, आर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस 180 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा प्लस के साथ। तो फाइनली जो आपका रिजल्टेंट बनेगा उसकी वैल्यू नोट करो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा हट जाएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। पर ही नोट कर लो,
cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. Yes sir, आ गया. ठीक है, क्लियर है अच्छे से? यस सर. यस सर. ओके सर, सेम अगर 360 माइनस थीटा तो भी सेम होता ना? हाँ बिल्कुल सही, 360 माइनस थीटा पे भी सेम होता. 360 माइनस थीटा मतलब 360 घूमो ऊपर की तरफ, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. तो कॉस 360 माइनस थीटा किस में पड़ता? फोर्थ क्वाड्रेंट में. बोलो हाँ. और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही मायका है, कॉस का ही घर है, तो वहाँ पे नेगेटिव भी नहीं आता, वहाँ पे कॉस थीटा ही आता. ठीक है. यस सर. चलो अगला करें क्वेश्चन. क्वेश्चन कराऊं? यस सर. चलो क्वेश्चन लिखो. लिखो, परी इज गोइंग टू हिज हर स्कूल विद अ डायरेक्शन. परी जो है अपने स्कूल जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में विद ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. परी की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है. ओके, 8 मीटर पर सेकेंड. ओके क्लियर? यस सर. परी जो है 8 मीटर पर सेकेंड है. देन इसके बाद लिखो, आफ्टर सन टाइम ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ. ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ North and maintain a velocity 6 meter per second. Yes. 6 meter per second. तो परी देखिए 8 meter per second की रफ्तार से स्कूल जा रही थी ईस्ट डायरेक्शन में, और वो फिर 6 meter per second मुड़ गई नॉर्थ डायरेक्शन में. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ परी. परी की वेलोसिटी में चेंज फाइंड करो. बोलो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? यस सर. परी की वेलोसिटी पहले 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट थी, फिर उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड हो गई ड्यू नॉर्थ. तो आपको बताना है. चलो सबसे पहले डायरेक्शन सेंस जान लो बच्चों. ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है. तो परी की जो पहली वेलोसिटी थी V1, वो कहाँ थी? ईस्ट डायरेक्शन में. तो परी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी 8 मीटर पर सेकंड से. तो 8 मीटर पर सेकंड से जा रही थी. तो ये देखो मैंने परी का डायग्राम बना दिया, ये पहली वेलोसिटी है. बोलो हाँ या ना? यस सर. दिस इज कॉल्ड V1 वेक्टर. अब इसके बाद परी चलते 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 थोड़ी देर में नॉर्थ मुड़ गई. तो अगली वेलोसिटी परी की कितनी हो गई नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखो. दिस इज V2. ओके, V2 कितना है बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या निकालना? फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके बच्चों, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई. ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर. बोलो यस और नो? यस सर. हाँ, चेंज यही होता है ना, V2 माइनस V1. बोलो बच्चों यस और नो? यस सर. यस सर. अब इसमें ये कि वेक्टर है तो दोनों बातें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी, V2 माइनस V1. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई और किस तरफ हुई, ये दोनों बतानी है बातें अपन को. तो क्या मैं V2 माइनस V1 को V2 प्लस माइनस V1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल. अब ध्यान से देखो, V2 कहाँ जा रहा था? नॉर्थ की तरफ जा रहा था. जा रहा था विद ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड. हाँ या ना? यस सर. यस सर. हाँ, V1 कहाँ जा रहा था? परी ईस्ट की तरफ ना. यस सर. V1 देखो, डायरेक्शन आपकी कॉपी में लिखी होगी. V1 देखो ईस्ट की तरफ थी 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? यस सर. तो परी जब V1 ईस्ट है तो माइनस V1 कहाँ जाएगा? वेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर. बोलो.
एट मीटर पर सेकंड से जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों अक्षत? जाएगा। वी वन जब ईस्ट जाएगा तो माइनस वी वन वेस्ट जाएगा, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वी टू और वी माइनस वी वन का रिजल्टेंट। ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल लॉ लगा दो। ओके, तो ये हमने ट्रायंगल लॉ लगा दिया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। बोलो आया समझ में? यस सर। हाँ, तो वी टू। अच्छा तुम हो कहाँ बेटा? मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ, आया समझ में? हाँ सर। तो वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर, तो वी टू माइनस वी वन बनेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, 6 और 8 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वी टू माइनस वी वन का जो मॉड आने वाला है वो कितना आएगा? आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज इन स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अपने? लगा लो, लगा लो, उससे भी आएगा। ले लगा लो। ओके, रिजल्टेंट मतलब वी ए बी, वी वी टू माइनस वी वन का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट वी वन का स्क्वायर। वी वन कितना है बेटा? बोल 8। बोलो हाँ। हाँ सर। 8 का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। माइनस 2 मॉड ए वन 8, मॉड वी टू 6, इंटू कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना? कॉस 270। बोलो हाँ। अरे कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90। हाँ 180 में से 90 का कॉस 90, बट कॉस 90 खुद में कितना होता है? जीरो ही तो होता है। यस सर। तो ये पूरा का पूरा टर्म खाली हो गया। हाँ। आंसर कितना बचा? केवल 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36। आंसर कितना होगा? अंडर रूट 100, मतलब कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर आपने बिना करे कैसे बता? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस, 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो डायरेक्टली मैंने बना दिया। समझ गए? यस यस। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी मुझे कोई डायरेक्शन बता दे कि परी की चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। देख लो ये है, इधर से चेंज हो रही है, तो यदि यहाँ पे मैं डायरेक्शन सेंसर बैठा लूँ तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आंसर यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो केवल 10 लिखूंगा, बट मुझसे पूछा जाएगा वी टू माइनस वी वन वैक्टर क्या है, तो बच्चों वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। ये कंप्लीट आंसर है, नोट कर लो। समझ में आया? ऐसे एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। चले आएंगे? यस यस सर। ठीक है, देखो अगला है बच्चों, लिखो। अब देखिए एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब अगला है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। लिखो प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, कभी कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए जा रहा है, अगर आपने इस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को 2 टाइम्स वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आप इसको फोल्ड कर रहे हो डबल बार, तो ये वेक्टर ए जो है जस्ट अपनी लेंथ का डबल हो जाएगा, डायरेक्शन अनचेंज रहेगी, सो इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अगर 3 करोगे तो 3 टाइम्स, 4 करोगे तो 4 टाइम्स। तो चाहे आप प्रोडक्ट बाई रियल नंबर करो, चाहे बाई ए स्केलर, क्योंकि स्केलर तो एक रियल नंबर ही होता है ना, स्केलर। यस सर। स्केलर नंबर एक रियल नंबर ही होता है, तो आंसर वही आएगा। चलो पढ़ दो अक्षत, बाय अ रियल नंबर। व्हेन अ वेक्टर ए, व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर n, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स, बट डायरेक्शन एंड यूनिट रिमेंस अनचेंज्ड। बाय अ स्केलर, व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर s, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स s टाइम्स, एंड यूनिट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ a एंड s, बट डायरेक्शन रिमेंस सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। हां देखो, ये थोड़ा सा एक बहुत ही माइन्यूट फर्क है, थोड़ा सा। रियल नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, रियल नंबर जैसी कोई होती है यूनिट नहीं होती, जैसे मान लो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, बट अगर मान लो आपने किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपके पास है मान लो, और आपने इसमें
मास का मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आप वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा एम वेक्टर वी, और ये कह जाएगा मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वेक्टर वी, मोमेंटम ये बन जाएगा मोमेंटम, तो क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, तो स्केलर में वेक्टर करने से वेलोसिटी जो है एम टाइम्स हो गई, मगर एक नई क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, समझ गए? तो इसमें यूनिट चेंज हो जाएगी, तो जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर क्वांटिटी से तो यूनिट चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज, बट जब आप कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास वेलोसिटी है और आपने दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेलोसिटी दो गुना तो हो गई, बट पहले भी ये मीटर पर सेकेंड था, अभी भी ये मीटर पर सेकेंड है, बोलो समझ में आया? आया सर। यस सर। चलो नोट करो, तो ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड पे, स्पीड स्पीड थूकना, चलो है ना, ये हो जाएगा ये। सो अगर आप मतलब दो तरीके से वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकते, तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, एग्जांपल के लिए मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट मोमेंटम की डायरेक्शन उसकी गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मास केवल मल्टीप्लायर का काम करता है, केवल मास मल्टीप्लायर का काम करता है, समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, मास एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर का काम करता है, परी क्लियर है? Yes, चलो अगला है, अगला है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बहुत तगड़ा वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेटा मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, तो मेरे पास सपोज आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सपोज वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर को टर्मिनस होने चाहिए, कैसे? को टर्मिनस मतलब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, तो द टू वेक्टर शुड बी को टर्मिनस, कोटर्मिनस वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दो वेक्टर को, तो बेटा इन दोनों वेक्टर के दो तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन किए गए हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ए वेक्टर ए को आप वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास एक स्केलर आएगा, स्केलर मतलब एक नंबर आएगा बिना डायरेक्शन वाला, और दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें आप वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, सपोज पहले वाले में आपका आंसर सी आ रहा है और सेकंड वाले में आपका आंसर सी वेक्टर आ रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर स्केलर आए, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, तो पहला प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर स्केलर आ रहा है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर वेक्टर आ रहा है तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, नोट करो, सो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, अनदर वन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट है दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट है, एक में मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आता है, एक में मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आता है, क्लियर हुआ? यस सर। अब स्केलर प्रोडक्ट को कैसे शो किया गया, पहचान दोनों में अलग अलग होनी चाहिए, तो इसमें दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगाया गया, डॉट बताता है कि हम दोनों का प्रोडक्ट कोई स्केलर आएगा, सो वेक्टर ए डॉट बी इज विल बी ए स्केलर नंबर सी, कोई स्केलर नंबर होगा, एंड हियर दोनों के बीच में क्रॉस लगाया गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, स्कोल्ट एस सी ओ एल टी होता है ना, डांटना, डी होते हैं सर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ यही होते हैं, पहला वाला डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं पता मेरे को, ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड, हाँ दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ये है अपना डॉट प्रोडक्ट और ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेसिकली मीनिंग क्या है, एक में आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट स्केलर आएगा और दूसरे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिजल्ट आपका क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, आपने वर्क का नाम सुना होगा, वर्क, वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, वर्क किससे किससे प्रोडक्ट से बना है, वर्क बना है फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से,
अब ध्यान से देखो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर इनके बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि इसका आंसर वर्क, वर्क तो ना वेक्टर नहीं है, वर्क तो स्केलर है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, ऐसा क्या हुआ होगा कि वर्क आंसर स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, सॉरी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एस, नोट कर लो। सो वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है। यस सर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है डॉट और क्रॉस में? भाई डॉट प्रोडक्ट आपको क्या जनरेट करके देगा, स्केलर जनरेट करके देगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या जनरेट करके देगा, वेक्टर जनरेट करके देगा। उनकी कैलकुलेशन में मतलब सेम होते कि मल्टीप्लाई करने से अलग अलग, अलग 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 होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी बताते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी बताते हैं। चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखो। yes, sir. हाँ, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बच्चों, आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर पी है, आपके पास बीच में एंगल थीटा है। सो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका दम, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका दम, मल्टीप्लाईड बाई दोनों के एंगल के बीच का कॉस थीटा। ये है डेफिनेशन। सो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए बी कॉस थीटा, नोट कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारे पास एक और ज़बरदस्त मौका है कॉस थीटा निकालने का। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी। यस सर, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट। एंगल निकलेगा इस फॉर्मूले से, क्या निकलेगा, एंगल निकलेगा। आ गया समझ में बच्चों? जी सर। तो ये है कॉस थीटा, ठीक ना, ये है डॉट प्रोडक्ट। आइए कुछ डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। हेडिंग डालिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्लियर। देखो कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर। सपोज देखिए, अपने पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, के कैप। अब आइए मैं आपको डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का बता रहा हूँ। सबसे पहले आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या मैंने डेफिनेशन बताई आपको ए डॉट बी की, मैंने आपको डेफिनेशन बताई मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो पहला क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप, दूसरा वेक्टर भी है आई कैप, तो मॉड आई कैप कॉस थीटा। खुद का खुद के साथ एंगल कितने डिग्री होता है, जीरो। खुद का खुद के साथ एंगल जीरो। आई स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, छत। मॉड आई कैप, यूनिट वेक्टर का नाम ही यूनिट है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। तो वन इंटू वन, आंसर नोट करो, अच्छा वन आएगा। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट का, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, चाहे आई कैप डॉट आई कैप कह लो, चाहे जी कैप डॉट जी कैप कह लो, या के कैप डॉट के कैप कह लो, हमेशा कितना आएगा, वन आएगा। बोलो परी, क्लियर? यस सर। ओके, आप परी उस दिन वीडियो आपने पढ़ा था, कह रहे थे आप सर मेरे को डॉट प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा था, अब तो क्लियर हो गया ना? यस सर। सो आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल्स टू वन। तो डॉट प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं यूनिट वेक्टर्स के, वो हमेशा वन आते हैं। यस सर। चलिए अब देखिए दूसरा है पार्ट, अभी आई कैप का आई कैप के साथ किया, अब दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, चाहे आई का जे के साथ करो, या आई का के के साथ करो, या के का जे के साथ करो, कोई भी कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। सपोज आई कैप डॉट जे कैप, क्या होता है फॉर्मूला, मॉड वेक्टर ए मॉड आई कैप, मॉड वेक्टर बी मॉड जे कैप, कॉस आई कैप एक्स एक्सिस में है, जे कैप वाई एक्सिस में। ध्यान से देखो एंगल कितने डिग्री दोनों के बीच का, 90। तो आई कैप वन जे कैप वन, कॉस 90 कितना, जीरो, आंसर सब कुछ स्वाहा।
तो लिखो आई कैप का जे कैप के साथ करूं, या जे कैप का के कैप के साथ करूं, या के कैप का आई कैप के साथ करूं, आंसर कितना आएगा? जीरो जीरो। सो डिफरेंट डिफरेंट डॉट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, वेक्टर ए का खुद के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, और खुद का खुद के साथ एंगल कितना होता है? जीरो। तो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? वन। मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, नोट कर लो। मतलब यदि किसी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। आपके पास मान लो सपोज कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और क्वेश्चन में आ गया कि आप इसका स्क्वायर निकाल करके बताइए, वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। चलो करते हैं। तो वेक्टर ए क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट दोनों का करना है। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले आई कैप उठेगा, ठीक है ना, बाहुबली बन के चलेगा मल्टीप्लाई होने के लिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ। फिर कौन उठेगा? जे कैप। फिर मल्टीप्लाई होने चलेगा किसके साथ? पूरे के साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर के कैप उठेगा और मल्टीप्लाई होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से। अभी अभी मैंने पढ़ाया आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? वन। आई कैप डॉट जे कैप जीरो। आई कैप डॉट के कैप जीरो। खेल ख़त्म हो गया इसका। चलो फिर कौन आएगा? प्लस जे कैप का मल्टीप्लाई हुआ प्लस जे कैप, तो जे कैप का आई कैप के साथ कितना प्रोडक्ट होगा? जीरो। जे कैप का जे कैप के साथ वन, और जे कैप का के कैप के साथ, अक्षत बहुत माइक डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर लो, मतलब सही कर लो उसको। जे कैप डॉट के कैप कितना हो गया? जीरो। के कैप डॉट आई कैप जीरो। के कैप डॉट जे कैप जीरो, और के कैप डॉट के कैप वन। आंसर वन प्लस वन प्लस वन, आंसर कितना आया? थ्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सर। यस सर। हाँ, तो ये हो गया, मतलब वेक्टर ए का आपने ऐसे कर दिया। अब दूसरा तरीका, मैंने अभी आपको थ्योरम रटवाई, मैंने आपसे कहा कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वेक्टर क्या था अपने पास? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट ए वन है, तो वन का स्क्वायर। इसका कोफिशियंट वन है जे कैप का, तो वन का स्क्वायर। और इसका भी कोफिशियंट वन है, वन के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया थ्री। बोलो क्लियर है? क्लियर सर। है ना, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि अगर आपके पास कोई वेक्टर वेक्टर ए है जिसका नाम है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, ये कंपोनेंट है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। समझ में आया ना? जी सर। तो इसी को लिख करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो वन प्लस वन प्लस वन रूट थ्री था, और रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया तो थ्री आ गया। बोलो डन। डन। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सर। हेलो परी, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका बेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब देखिए, दो वेक्टर अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी कंपोनेंट फॉर्म में है, उनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हाँ अक्षत बोलो। सर मैं क्लास लीव कर दूँ? जाना है, क्लास आ गई क्या तुम्हें? अच्छा पेपर है उसका। हाँ चलिए ठीक है, तो आज तक यहीं कंक्लूड करते हैं, कल करेंगे आगे। थैंक यू बच्चों, इसको अच्छे से कर लीजिए और वीडियोस पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।